अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सी फीमेल्स कंटिन्यूसली मुझसे पूछ रही थी कि कंसीविंग के लिए कैरेट सीड्स किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, तो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कंसीव करना है नेचुरली तो आप किस तरह से कैरेट सीड्स को यूज़ करते हुए कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैरेट सीड्स के कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। तो अगर किसी को भी इररेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स नहीं होते हार्मोनल इशूज़ की वजह से या फिर PCOS की वजह से, तो कैरेट सीड्स उनके लिए बहुत बेस्ट हैं। इसके अलावा कैरेट सीड्स के कुछ और फायदों में शामिल है कि ये फीमेल्स के एग्स मैच्योर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद देता है, जिन फीमेल्स को सिस्ट का प्रॉब्लम है तो ये सिस्ट को रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं, फर्टिलाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और नेचुरली कंसीव करने में मदद करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं आपके साथ 3 मेथड शेयर करूँगी, इनमें से आपकी आसानी के मुताबिक जो भी मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह नाश्ते में नहीं कर सकते, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो आप इन तीनों मेथड्स में से जो भी आपको आसान लगे आप कर लीजिएगा। मेथड नंबर 1, सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून कैरेट सीड्स लें और उनको अच्छे से छान लें, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी और धूल मिट्टी होती है तो सारी धूल मिट्टी निकल जाएगी। अगर आपको 5 दिन तक पीरियड्स होते हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने पीरियड्स की सेकेंड नाइट को इन सीड्स को 1 कप पानी में भिगो के पूरी रात के लिए छोड़ दें। तीसरे दिन की मॉर्निंग में खाली पेट आप इस पानी को पी लें और 1 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगी। 1 घंटे के बाद आप रेगुलर जिस तरह से नाश्ता करते हैं आप नाश्ता कर लें। ये प्रोसीजर आपने 4th और 5th डे भी करना है। इस मेथड को आप बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए 3 से 6 महीने तक करें। मेथड नंबर 2, सबसे पहले 2 टेबलस्पून कैरेट सीड्स लें और उन्हें छान लें ताकि उसमें से सारी धूल मिट्टी और गंदगी वगैरह निकल जाए। अब उन 2 टेबलस्पून कैरेट सीड्स को लें और 1 टीस्पून जागरी गुड़, जिसको केन शुगर भी कहते हैं, उसमें मिक्स करें और 1 कप पानी डालकर बॉईल कर लें। इस पानी को आप तब तक पकाएंगे जब तक कि वो आधा कप रह जाए और उसके बाद आप पी लें। ये पानी आप किसी भी टाइम बनाकर पी सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ये मेथड भी आप 3 से 6 महीने के लिए करेंगे। इसके करने का तरीका ये है कि अपने पीरियड्स के आखिरी 3 दिन में आप ये करेंगे। जैसे कि अगर आपका साइकिल 5 दिन का है तो आप इस पानी को 3, 4 और 5 दिन तक पियेंगे। अगर आपका साइकिल 7 दिन का है तो आप ये पानी 5, 6 और 7 दिन तक पियेंगे। कैरेट सीड्स को यूज़ करने का आखिरी तरीका है, जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएं तो आप 2 टेबलस्पून कैरेट सीड्स लें और इन्हें अच्छी तरह से छान लें ताकि सारी धूल मिट्टी और गंदगी निकल जाए। अब इन 2 टेबलस्पून कैरेट सीड्स को लें और इसमें 6 पीस मुनक्का, जो कि रेजिन्स की एक फॉर्म होती है, उसके साथ 2 कप पानी में बॉईल कर लें। बॉईल आपने तब तक करना है जब तक कि आपका 2 कप पानी 1 कप नहीं रह जाता। अब इस टी को आप सोने से पहले पीरियड्स के बाद अगले 3 दिन तक पियेंगे। जैसे कि अगर आपके पीरियड्स 5वें दिन ख़त्म होते हैं तो आप ये ड्रिंक 6th, 7th और 8th डे पियेंगे। अगर आपके पीरियड्स 7 डेज के हैं तो आप ये टी 8th, 9th और 10th डे यानी 3 दिन तक पियेंगे। इस रेमेडी को आप 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी के लिए चेकअप करवाएं। तो ये 3 तरीके थे, इनमें से जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप वो कर सकती हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।